कहाँ चलाने वाले लोग रात को घर जाके सोते हैं या पत्रा पत्रा दिन में घर पहुँचते हैं। इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है। क्या हालत होगी तब इनके लिए करते हैं। मोदी सरकार के लाए गए हिट एंड रन कानून का जमकर विरोध पूरे देश में देखा जा रहा है। ट्रक ड्राइवरों में भारी आक्रोश है। हड़ताल पर बैठे हुए ट्रक और बस ड्राइवरों का कहना है 10 लाख रुपए का मुआवजा और 7 साल की जेल का प्रावधान करना बिल्कुल ही गलत है। आखिर हम 7,000 रुपए कमाने वाले इसके भुक्तभोगी क्यों बने? 10 लाख रुपए आखिर कहां से लाएंगे? अगर 7 साल की जेल भी हो जाएगी तो हमारे पूरे परिवार का लालन पालन कौन करेगा? लिहाजा पूरे देश में चक्का जाम जैसी स्थिति बनी है। आलम यह है कि मुंबई जैसे महानगरों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगे हैं, घंटों लोग खड़े हैं, लेकिन पता चल रहा है कि डीजल और पेट्रोल की ही भारी किल्लत हो चुकी है। इधर ट्रक ड्राइवर मानने को तैयार नहीं है। बता दें कि हीट एंड रन के मामले में केंद्र सरकार के कड़े नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। नए नियम में 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सरकार के इस नए नियम से ट्रक ड्राइवरों में भारी गुस्सा है। मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद भोपाल के कई पेट्रोल पंप पर लोग परेशान रहे। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुके हैं। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता? धंधा करता कोई? जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए या किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने। कोई चाहता है कि मार्शल बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार्शल बने। हम कहाँ चलाने वाले लोग रात को घर जाके सोते हैं या 15-15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा का है इसका तो संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी सब इनके लिए करते हैं। इसके कारण यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबी लंबी लाइनों के कारण उन्हें बसें नहीं मिल रही हैं। सड़कों पर भारी विरोध के कारण लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुनिए आखिर यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उन्होंने क्या कुछ बताया। स्ट्राइक है बता रहे हैं, क्या चीज की स्ट्राइक है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें परेशानी के सभी मतलब सभी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बस के नहीं चलने से। तो इसके अलावा और क्या जरिया है दुर्ग पहुंचने का? अब देखते हैं, ऑटो से जाएंगे, ऑटो से या कुछ भी साधन से जाना पड़ेगा, या फिर ट्रेन से। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो ड्यूटी वाले हैं और 2-3 दिन ही चल रहा है बोल रहे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। अब बस सारंगढ़ जाना है भाई हम लोग को, 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। नहीं, ट्रेन नहीं जाता है सारंगढ़, रायगढ़ तक जाता है, लेकिन फिर रायगढ़ से फिर सारंगढ़ जाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा परेशानी, बस नहीं चल रहा है। तो अभी साफ है कि मोदी सरकार के नए कानून के कारण ट्रक ड्राइवरों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। हालांकि आगामी समय में ही लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार अपने इस नए कानून पर यू टर्न लेती है। कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।